हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गई है। वैसे देखो, चांद यहाँ पे चमक रहा है। तो अपन लोग जा रहा अपन लोग मतलब अपन जा रहा है, कल का शूट रह गया वहाँ पे। तो आज का सुबह का सीन था। वैसे मैं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। तो आज भी वहीं पे जा रहे हैं, पीछे पुलंग। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज कुछ घमासान होने वाला है, देखते हैं। ठीक है, बने रहो साथ। चांद बिल्कुल डूबने की तैयारी में है। जैसे लोग उठेंगे तो चांद डूबेगा और सूरज उगेगा यहाँ से। तो गाइस, सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। देखो, कल जो बर्फ पड़ी थी। और हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई के चैनल में। और भाई जी ने ब्लॉग शुरू कर दिया है और ये हमारी टीम भी पहुंच चुकी है मंडी से। और ये दीप सर है, और इधर देखिए ये हमारे और विजय भाई, ये हमारे अपने चाय वाले हैं। चाय जी बहुत नहीं 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 नहीं, और ये हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हैं। इस्त्री करते कपड़े इस्त्री। हमने जो है बिक्की भाई का फोन चुरा लिया है। और ये देखिए, कैमरामैन जी कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, कैमरा। अब मैंने कैमरा अपने हाथों में पकड़ लिया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो आप उधर पीक देख रहे हैं, ये वाली पहाड़ जिस पे सुंदर सुंदर बर्फ की चादर इतनी सुंदर लग रही है जितना सुंदर मेरा मुखड़ा है। तो इस बर्फ की चादर के साथ हम जो है कुछ फोटोग्राफी वगैरह करने वाले हैं। और बिक्की भैया आ चुके हैं, तो हम इनका फोन अपनी जेब में छुपा देंगे। तो यहाँ पे चल रही क्रॉसिंग। एयर वी गाइस, तो फाइनली पहुंच गए लोहाड़ी और ये लोग भी उतर गए। सुबह का माहौल बनाई दो, विपुल अवर बनाई दो। वेलकम टू पोलिंग। और आज का हाल है पोलिंग में, जहां पर हमारा फिर से आज का शूट का दूसरा दिन है। और ये हमारे कैमरामैन साहब क्या कहना है आपका? जबरदस्ती लाया गया मुझे, जबरदस्ती इसको लेके आया गया है, क्योंकि हमारा शूट अभी बाकी रह गया। और ये मेरे बापू जी, जो कि गाने के अंदर मेरे फादर साहब हैं, और हमारा रिलेशन जो है बहुत अच्छा है। और ये मेरा बेटा बना हुआ है, और ये शहर चला जाता है तो गांव आया है। तो अभी आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, अभी सारा रिवील नहीं करेंगे, लेकिन यस यस ये किसका है भाई? तो सच बात बोलूँ तो मैंने आज मुंह भी नहीं धोया है, और मुझे पता है मैं लग रहा हूँ अंधोता। कोई बात नहीं, पर पीछे की ब्यूटी देख के तो आपको हैरानी होगी। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं पोलिंग में, और पोलिंग की जो आप साइट है वो देख सकते हैं। हमारी टीम जो है आगे निकल चुकी है, और मैं और विक्की भैया, जो कि बहुत प्यारे फोटोग्राफर भी है, सिनेमेटोग्राफर भी है, मेरी बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। लेकिन हम जो है मंत्रमुग्ध हो चुके हैं इन पहाड़ों पर जो खूबसूरती है। आप बर्फ की चादर देख सकते हैं, और बर्फ की चादर के ऊपर जो सूरज की किरणें हैं वो पड़ रही है, धूप इतनी प्यारी खिल रही है, और नीचे नदी का शोर है। तो ये सारी चीज़ें हमें मंत्रमुग्ध कर रही हैं, और यहाँ के लोगों का इतना प्यार हमारे प्रति। तो हमें हमारा जो शूट है काम करने का, उसमें बहुत मजा आ रहा है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जाएगी। ओके गाइस, बने रहो। तो इधर खाएंगे मैगी 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 मसाला, मैगी मसाला बना है सुबह सुबह। देखिए गाइस, ये हमारे प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं, और एक्टर्स को रोक के किया हुआ है, तो इनको हमने शॉट में लेना है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे रोका गया है। और हमारा कैमरा जो है उधर सेट हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारे साथ एक्टिंग करेंगे और वीडियो लियो लियो तैयार हो गया लियो। जुगिंदर भाई
थारा भाई जोगिंदर शूट करके दिखाएगा। थारा भाई जोगिंदर भाई की आर देखो ऐसे कैमरे आजकल के ब्लॉगर बहुत ही ज्यादा मेहनत प्रतिभाशाली ब्लॉगर है जिनके हाथ भी कांप रहे हैं इतनी सरसराहट टटराहट वाले ठंड में। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ये देखिए नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारे विक्की भाई जिनका ये ब्लॉग है और ये देखिए उधर हमारे एक्टर साहब जो हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं और ये हमारे डीओपी सेकंड डीओपी। सो गाइस गांव का शूट हो गया है लगभग आई थिंक सो और अभी घाट पे जा रहे हैं, घाट में करेंगे थोड़ा सा शूट और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं। और हम हैं प्लम्बर, अगर किसी को अपना नलका ठीक करना तो आ जाना प्लीज, नाक भी ठीक कर देता हूँ मैं। पहले मेरा नाक इतना लंबा था इतना, फिर मैंने इसको कसा इसकी नट बोल्ट तब हुआ ठीक है। क्या बोला आंटिया? मोल थनी है मत। नहीं 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 नहीं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घराट जा रहे हैं और ये वाला रास्ता है बड़ा ही मस्त तो ये रहा घराट। ठहरा चलाना भाई चलाना ठहरा ना फिर ऐसा। और ये देखिए गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर और ये हमारे आप तो जानते ही हैं इन्हीं का चैनल है और ये हमारे एक छोटा सा नमूना कलाकार और ये गांव के निवासी भाई आए कर दीजिए। और ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं घराट। घराट माने पानी, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर पानी होता है, इस पानी का यूज किया जाता है, अंदर एक छोटे किस्म का टरबाइन लगाया जाता है जैसे बड़े बड़े हम पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी उसका यूज किया जाता है। और आज हम समझेंगे एक्चुअली में मेरे गांव में घराट, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं लेकिन वहां पर जो घराट है अब वो सारे घराट जो हैं ख़त्म हो चुके हैं लेकिन ये घराट जो है यहां पर चल रहा है। बरौट के हम एक छोटे से गांव में आए हुए हैं जहां पे हमने अपना शूट करना है तो अभी हम समझेंगे कि इस घराट को चलाया कैसे जाता है, अंदर जा कर के मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे। अभी देखिए पानी कितना प्यारा कल कल करता हुआ बह रहा है और यहाँ पर जो है लोकेशन डिसाइड की जा रही है, कैमरे का एंगल सेट किया जा रहा है और मेरे चेहरे पर भी जो है मेकअप हो चुका है। और ये देखिए ये है घराट अंदर का। तो ये दोस्तों ये पानी के साथ चलता है, इसको क्या बोलते हैं अंकल जी ये जो घूम रहा है? पूर। अच्छा ये कूर अच्छा अच्छा। और नीचे से क्या हो रहा है पानी, मतलब टरबाइन लगा होगा वो घूम रहा है, क्या बोलते हैं पक्का? रोड़ा बोलते हैं। अच्छा रोड़ा बोलते हैं और वो पानी के प्रेशर के साथ घूम रहा है और बिना बिजली के ये चल रहा है और यहाँ पर अनाज पीसा जा रहा है। देखिए हम चलते हैं बाहर और यहाँ से सामने से गांव की लीड है देखो भाई। अब सबको संकल्प लेते हुए यहाँ हम पानी बचाएंगे और यहाँ वाला की ये समझा रहे हैं आपको। देख देख देख
देखना नहीं। तो इनका कहना है कि यहाँ पे पहले 20 लगभग 20 घराट चलते थे पुलिंग गांव में। 20 घराट सोच सकते हैं आप, 20 घराट चलना मतलब कंटिन्यू चलते थे एक्चुअली। पहले यहाँ पे छल्ली कोदरा जो सब कुछ बीजते थे, तो अब कुछ भी नहीं बीजते, तो खुद भी दुखी है ये। उसमें से बस एक दो घराट ही चल रहे हैं, 20 में से अब कुछ भी नहीं चल रहा है। ये है हमारे नमकले भाव, ये नुबड़ा है। और जो मैं 20 घराट की बात बोल रहा था, देखो सच्चे 1 2 3 4 कहाँ गया, 4 नीचे थे, 5 ऐसे, मतलब बड़े सारे घराट इनके बर्बाद हो गए। एक इधर भी है, पीछे भी था, चारों तरफ घराट ही घराट। तो आप लोग देख सकते नहीं, मतलब यहाँ पे भी था वैसे, 20 नहीं 11 से बोला, 11 समथिंग भैया, 11 बंद होता नहीं पीछे। तो यहाँ पे शूट होने जा रहे हैं रैली का, यहाँ पे लोग समझाएंगे कि कैसे जल को बचाया जाए, कैसे उसको निचोड़ा जाए। एक्चुअली मैं यहाँ पे शूट होने जा रहा है अभी, जो चंबा में एक रानी ने अपना बलिदान दिया था पानी के लिए, तो वही हमारा भी कुछ गाने में ऐसा है सीन। और ये देखिए कैमरामैन जो है हमारे लिए सेटअप कर रहे हैं, और दूसरे कैमरामैन जो है वो आ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे लोग बहुत अपनी शानदार ड्रेसेस के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको, और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी लोगों के साथ। और ये देखिए, ये हमारे एक्टर जी, और ये देखिए डायरेक्टर साहब। ये स्पेस हो गया खाली, ये स्पेस हो गया खाली, ये आपको बस। और ये हमारे, चलो चलो आ जाओ बेटा, और ये हमारे प्यारे दादू। और ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे बैठ चुके हैं यहाँ पे। चल है तो कल ऐसे कर लो, जो भी आएंगे। चलो अभी पीछे लोगों का शॉट चल रहा है, और हमारे पास ये देखिए कैमरा और स्क्रीन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आगे वाली साइड, क्योंकि हमारा जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है। तो राहुल भाई जो है कैमरा सेट कर रहे हैं, ये देखिए सीन चला हुआ है, लेकिन हमें छुपना पड़ रहा है क्योंकि ड्रोन से इसकी शूटिंग हो रही है, तो वी कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो ड्रोन इज कमिंग बिहाइंड अस, वी विल नॉट शो आवर फेस। अंकल बोल रहे हैं कि हमें ड्रोन देखना है। हाँ ड्रोन देखना दादू। हाँ केड़ा लगे करा दू, सो तू सर ग्राम शूटिंग लगी रही। बढ़िया लगे, बढ़िया लगे करा। बढ़िया, क्या नाम है तू सारा? मेरचंद। मेरचंद। हाँ और तू सारा नाम? मेरा नाम किशराम। किशराम भाई बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा, एथी एथी बड़ी नंद आई। तू नंद 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 शूटिंग करो आ सर घरे मंडी। बढ़िया
हो गया सीन आपका, मैंने आपका सीन भी कैप्चर कर लिया। थैंक यू सर। तो यहाँ पे सारी साफ सफाई की जा रही है, आज ही सारी साफ सफाई की जाएगी। आज बहुत ही खतरनाक माहौल हो रहा है यहाँ का। तो ये देखिए दोस्तों, गांव के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, और देखिए इनको एक बार बोलने पर ये सारे के सारे लोग जो हैं हमारे एक सीन के लिए, एक सीन में हमें इन लोगों की ज़रूरत है, तो सारे के सारे इतनी नीचे से आकर के इधर हमारे साथ जा रहे हैं। और कितनी प्यारी बात है, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, और बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों के बीच में रहकर, इनका प्यार देखकर। तो अभी देखिए कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉग चैनल तो बिक्की भाई का है, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग या मेरे द्वारा दिखाए गए दृश्य अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बिक्की भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिक्की भाई को इसी तरह से प्यार देते रहें। और ये देखिए बिक्की भाई भी साथ में जा रहे हैं, और लोग जो हैं काफी आगे तक निकल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा सुबह का सीन हुआ था। चलिए चलिए आ जाइए, ब्लॉग बना रहा हूँ तो ब्लॉग में भी दिखाऊंगा आपको, और ऐसे भी आपको दिखाऊंगा। गाना आएगा ना गाना, तो वो भी यूट्यूब पर आएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे गाना। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाय कर दो सब ऐसे, हाय हाय हाय, आराम से गिरना मत। और देखिए लोग कितने प्यारे प्यारे लिबास में आ रहे हैं। ये देखिए छोटी सी बच्ची को आप देख सकते हैं, और ये भी हमारे शूट का हिस्सा बनने जा रही है। आज ये देखिए एक और है टोपू वाली बेबी। तो अभी देखिए लोग, थोड़े थोड़े लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और कुछ लोग शर्मा रहे हैं कि वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं कैमरा में। ये बोल रहे हैं कि हमारा चेहरा बहुत सुंदर है तो हम दिखा नहीं सकते, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी जगह है, ये इसका नाम है मिष्टी, और मिष्टी देखो कितना सज धज के आई है। तो ये देखिए मिष्टी हाय कर दे, शर्मा रही है। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आई थिंक अब सभी लोगों का झुंड आप लोग उधर देख सकते हैं। तो लोकेशन पर हम लोग पहुंच ही चुके हैं लगभग। मैं नहीं नहीं मैं लेके आ गया, और अच्छा। आप लोग सारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छा। और हमें बहुत मजा आया यहाँ पर शूट करके, अच्छा। पर्सनली अपनापन लग रहा है यहाँ पे, अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? आपको भी अच्छा ही लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके देखिए कितने प्यारी प्यारी ड्रेसेस में सजे हैं। नाचना कोई नहीं करेंगे, डांस करेंगे। और ये देखिए ये लोकेशन डिसाइड हुई है। अरे साउंड आपको कि नहीं है? सारी फ्रेम पड़ गई यार। यहाँ पे एक सीन बनाया जा रहा है, जो चंबा की रानी ने बलिदान दिया था उसका पानी के लिए, कि ऐसा कुछ था। बहुत अच्छा था आप लोगों का सब। और मैं बन गया भूत। एक्शन। ये हमारे वाटर गार्ड मिस्टर विजय राजपूत, और नाइस टू मीट यू। और ये देखिए आप नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ की गांव की लेडीज जो हैं शूट खत्म होने के बाद अब डांस करने आ रही हैं। तो ये जो है नाटी डालेंगी, इनकी जो पहाड़ी नाटी है, और वहां पर ऊपर देखिए ड्रोन ड्रोन ये
अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अब इनका ड्रोन शॉट लिया जाएगा, देखिए ड्रोन उड़ चुका है और ये हमारे ड्रोन के ड्राइवर ड्राइवर भाई में ट्रक जो नहीं बने ड्रोन के ड्रोन के भाई साहब हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर के ड्राइवर ड्रोन के ड्राइवर हंसो हंसो सब अब फोटो करते हैं सभी इस साइड को देखो सामने देखिए सभी तो ये आधे गांव वाले इधर है और आधे ऊपर है तो इधर का हो गया लाए पैकअप और बस इतना ही था आज का शूट और ये है हमारे साहब बड़े साहब पीटर साहब और हम ट्रेनी तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था गाँव वालों का बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट था सही बात है गाँव वालों को बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा बहुत अच्छे से कंप्लीट किया इतना पॉसिबल नहीं था इतना आसानी से हर चीज प्रोवाइड करवाई इन्होंने और थैंक यू अपने विक्की भाई का भी जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया बरोड के रहने वाले हैं बहुत सहयोग किया थैंक यू सो मच ओके गाइस अब चल पड़े सारे के सारे घर ओके गाइस तो पैकअप हो गया है तो थोड़ा सा शूट बचा है बाकी आज का इतना था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू सो मच बाय बाय